हेलो गाइस, मेरा नाम है रियाज खान। आप देख रहे हैं हाउस ऑफ एनाबॉलिक्स एंड वी आर बैक विद न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अपनी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है टेस्टोस्टेरोन वाली सीरीज़ का। तो अब हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट के ऊपर। तो बड़ा पॉपुलर स्टीरोइड है, बड़ा फेमस है, सब जगह बिक रहा है। और जिन लोगों ने प्रोपिनेट वाला वीडियो नहीं देखा है टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट का, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं वहाँ से। तो बेसिकली हम बात करें टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट की, तो ये है एक लार्ज यानी लॉन्ग एस्टर बेस्ड टेस्टोस्टेरोन, यानी कि इसका एक इंजेक्शन अगर आप आज लगाते हो तो ये आपकी बॉडी में 16 से 18 दिनों तक आपकी बॉडी में सर्वाइव करता है विद एनेंथेट एस्टर के साथ। अभी 16 से 18 दिन सर्वाइव करता है तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे देगा, साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको भर भर के देगा, तो सब पे बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इसकी पैदाइश से, पैदा कब हुआ ये। पैदा हुआ था 1954 में और FDA ने अप्रूव कर दिया था 1954 में। और जैसे ही आया था इसने डायरेक्ट रिप्लेस किया था टेस्टोस्टेरोन प्रोपिनेट को। प्रोपिनेट के लोग प्रोपिनेट को छोड़ के एनेंथेट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो बेसिकली एनेंथेट और सिपनेट ये दोनों ऑलमोस्ट एक साथ ही डेवलप हुए स्टीरोइड्स हैं। तो हम अगले वीडियो में सिपनेट पर बात करेंगे, अभी हम बात करते हैं एनेंथेट के ऊपर। तो एनेंथेट का बेसिकली था क्या कि लार्ज एस्टर बॉन्ड था, यानी कि काफ़ी दिनों तक बॉडी में सर्वाइव कर सकता था। आज आप लगाते हो तो 7 दिन तक सर्वाइव, 7 दिन के बाद ही आपको दूसरा इंजेक्शन लेना, हाफ लाइफ 7 से 8 दिन की है। तो बॉडी बिल्डिंग में इसके बेनिफिट क्या थे, वो कुछ इस तरह से थे कि एक तो मसल मास जो ऑब्वियसली इसको इंक्रीज कर ही देना है 17-18 दिनों में। दूसरा बल्किंग में यूज़ किया जा रहा था, तो बल्किंग में हो ही रहा था कि इसमें वाटर रिटेंशन भी था थोड़ा सा। जब आप इसको लगाते थे तो ये वाटर को होल्ड करता था, जिससे बॉडी वेट को भी गेन कर लेती थी झट से। तो इस वजह से और ज़्यादा पसंद आने लगा लोगों को, प्रोपिनेट लीन कर रहा था, ये गेन कर रहा था। और ऑलमोस्ट आजकल बॉडी बिल्डिंग में या खास तौर पे इंडिया में स्टीरॉयड को जो है एज अ बिगिनर स्टीरॉयड माना जाता है। टेस्ट ई के नाम से भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है टेस्टोस्टेरोन एनेंथेट। बोलते हैं बिगिनर को दे दें, मगर ये बिल्कुल बकवास बात है। पता नहीं वो क्यों ऐसा करते हैं कि बिगिनर या स्टीरॉयड, कोई बिगिनर या एडवांस ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली वो अलग अलग बॉडी टाइप का यूज़ है, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली क्यों दे रहे हैं पता नहीं, बिगिनर्स का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, मगर फिर भी क्योंकि बिगिनर्स को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इसका इंजेक्शन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं लेना है। मतलब अगर आप चाहो तो महीने में 2 इंजेक्शन से भी काम चला सकते हो, या बेसिकली 4 से भी काम चला सकते हो। वहीं प्रोपिनेट की बात करें तो हफ्ते में 3 लगाने पड़ते हैं। इस वजह से अब कोई नया स्टीरॉयड पे आया है तो उसको जो है ये दे देते हैं कि भाई आपको ज़्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम और बात करें, ये तो इसके बेनिफिट थे। और जो बेनिफिट हैं वो इसके ये हैं कि मेटाबॉलिक रेट हाई कर रहा है, मेटाबॉलिक रेट हाई, फैट लो, मसल एकदम मस्त ज़बरदस्त बन जाता है, बड़ा मसल बनता है, प्लस बॉडी वाटर होल्ड कर रही है तो वेट भी गेन करेगी, वेट पुट ऑन होगा तो और ज़्यादा शरीर जो है नज़र आता है बेसिकली। और इसका जो खास तौर पे इसको कंबाइन किया जाता है और जो सब्सटेंस है जैसे कि डेका हुआ, इक्विपोज हुआ, इनके साथ मिक्स करते हैं एनेंथेट को। तो उससे होता है कि डेका वैसे ही गेनिंग में है, इक्विपोज आपको लीन बल्क की तरफ लेके जा रहा होता है, उसी तरह उसी के साथ ही आ जाता है आपके पास एनेंथेट, एक और बल्किंग स्टीरॉइड। तो बल्क में आपको जो है अच्छा खासा पूरा पैकेट मिल जाता है और आप अच्छा खासा वेट गेन कर जाते हैं एनेंथेट के साथ। वेट मसल वेट होता है वो, बेसिकली ऐसा वेट चर्बी वाला नहीं आने वाला है, वो ऑब्वियसली क्लियर है हम सबको। तो उसके बाद क्या है कि ये तो हमने देख लिए इसके बेनिफिट, वही घिसे पिटे बेनिफिट हैं सारे स्टीरॉयड की तरह, इसके भी नाइट्रोजन रिटेंशन और वो, मगर इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ेगा। जबकि जितने आपको बेनिफिट दे रहा है उसके साथ साथ ही आपको साइड इफेक्ट्स भी अच्छे देता है। तो बात करते हैं इसके पहले साइड इफेक्ट से। सबसे पहले वाटर रिटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जैसे ही वाटर रिटेन करेगी बॉडी, ब्लड के प्रेशर को भी तेज़ करेगी, उससे होगा क्या, हार्ट डैमेज हो जाएगा, बेसिकली हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा। जब ये वाटर रिटेंशन कर रहा होता है तो साथ में हमें जो है कोलेस्ट्रॉल का भी एक तड़का लगा देता है उसके अंदर, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल कम होगा और बैड वाला बढ़ना शुरू हो जाएगा। बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपको और जो बीमारियों को जो है इनविटेशन दे देता है। जब ये हो जाता है तो क्योंकि अब इसका हम बॉन्ड पे अगर ध्यान दें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है और ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर रहा है, 17-18 दिन तक रुक रहा है बॉडी में, तो
इसका जो पीक होता है 17-18 दिनों के अंदर, या जब हम इसके फ्रिक्वेंटली महीने में 4 इंजेक्शन ले चुके होते हैं हर हफ्ते में एक, तो होता ये है कि इसका जो पीक होता है वहाँ पर ये पहुँच जाता है। पीक होता है इसका 1800 से 2200 DL के आसपास ये पहुँचा देता है हमारे बॉडी के टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को, जो कि 700 तक ही या 1000 तक ही जा पाता है नॉर्मल मेल का। तो 1800 से 2200 के नहीं, कहीं पे 3000 से भी ऊपर टच कर रहा होता है कुछ मेल्स के अंदर। ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। जब ये वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एरोमेटेज एंजाइम हमारा काम करना शुरू कर देता है। बेसिकली एस्ट्रोजन कन्वर्जन शुरू हो जाती है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ज़्यादा एस्ट्रोजन मिलेगा, एस्ट्रोजन कन्वर्जन बढ़ जाती है। एस्ट्रोजन कन्वर्ट जैसे ही होता है कुछ ही समय के अंदर, जब एक पीक लेवल को क्रॉस करता है, मेल्स के अंदर 25 to 26 नॉर्मल लेवल माने जाते हैं, उसके ऊपर हाई होता है। तो नॉर्मल साइकिल पे जो आप कर रहे हैं तो हम 50-60 को नॉर्मल मान लेते हैं जब आप ऑन साइकिल होते हैं। जब आप एनन्थेट जैसे लॉन्ग एस्टर्स का यूज़ करते हैं तो वो 100 को क्रॉस कर देता है, 150 को क्रॉस कर देता है। जब वो 180 to 200 के आसपास पहुंचता है आपका एस्ट्रोजन लेवल, तो आपको गाइनोकोमास्टिया जैसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। यही रीज़न है कि कई लोगों का 200-250 तक वो पहुँच ही नहीं पाता है, तो इस वजह से उन लोगों को गाइनो होता नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि हम तो शेर भी लेंगे, हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने सब कुछ लगा लिया है। तो उसका रीज़न यही है कि उनकी बॉडी जो है वो एस्ट्रोजन कन्वर्जन या फिर जो टेस्टोस्टेरोन अब्सॉर्प्शन है एनन्थेट का, वो प्रॉपर हुआ नहीं, जिस वजह से वो थोड़े से साइड इफेक्ट से बच गए। सिमिलरली क्यों, और इसका जो एक इफेक्ट आता है, ये एक आपके हंगर को भी इंक्रीज करता है। ये इसका साइड इफेक्ट्स है, ना कि इसका बेनिफिट है। साइड इफेक्ट ऐसे है कि जब ये हंगर को इंक्रीज कर रहा होता है तो IGF-1 को प्रमोट करता है। IGF-1 ज़्यादा प्रमोट होने लग जाता है बॉडी से, उससे हमें प्रॉब्लम होती है कि हमारे हंगर बढ़ जाता है। लोग खुशी खुशी खा रहे होते हैं मगर असल में बॉडी कुछ समय का ट्यून हो जाती है उसी तरह की। वो चाहती है कि उसे अब ये IGF-1 का डोज फिर से मिले और वो ग्रोथ फैक्टर फिर से निकल के आए। एक और जैसे मेजर साइड इफेक्ट आता है, हंगर इंक्रीज हुई क्योंकि IGF-1 को ज़्यादा प्रमोट किया है इसने। अब IGF-1 के रिसेप्टर कहाँ कहाँ होते हैं, हमारे गट में भी होते हैं, हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी होते हैं। तब होता यह है कि उसके अंदर जो स्मॉल मसल्स होते हैं, जो उसके स्मॉल टिश्यूज़ होते हैं, ये उसको भी डेवलप कर देता है। अब आप देखते होंगे कई जो बारी बारी से बॉडी बिल्डर होते हैं, उनका जो इंटेस्टाइन वाला एरिया है या हार्ट है, ये भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वो इसके अंदर जो आपका जो है IGF-1 को प्रमोट करके जो स्मॉल टिश्यूज़ को भी डेवलप कर रहा है, उस वजह से वो भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली स्टीरोइड मतलब क्या है कि हम जो है अपने बॉडी को एनहांस कर रहे हैं एक स्पेशल गोल के लिए, या फिर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है इसलिए हम टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं। तो डेफिशिएंसी वाले तो लोग आ ही नहीं पाते, उससे पहले बॉडी बिल्डर और ये नए नए लड़कों को बता के उन सब में लगा दिया जाता है इसको। तो खैर, ये था टोटल कंप्लीट हमारा वीडियो टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट के ऊपर। इसमें हमने पूरा टेस्टोस्टेरोन एनन्थेट को छान दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और ये इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी अलग और न्यू है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहा है इस प्लेटफॉर्म पे। गुड बाय, थैंक यू।